Yes friends, question number 4. Question number is telling it, Bittu start his homework at 4:25 PM and finish at 6:20 PM. How long did he take to finish his homework? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है जिसमें बिट्टू स्टार्ट कर रहा है अपना होमवर्क को 4:45 PM पर और फिनिश हुआ है उसका 6:20 PM पर. हाउ लॉन्ग डिड ही टेक फिनिश एट होमवर्क. अब हमें ये करना है, वी हैव टू फाइंड हाउ मच टेक टाइम ही डिड हिज होमवर्क. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. जैसे हमें पता है कि 4:45 है तो मैंने यहाँ पे एक वॉच में बना रखा है, ड्रॉ द वॉच एंड 4:45 मैंने इसमें टाइम को लिख दिया. अब हम 4:45 से हम काउंट करते हैं कि 6:20 तक कितना हमारा वो कैलकुलेट होगा. तो 4:45 मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया. 4:45 से अब मैं 15 यहाँ से मेरी जो वॉच है मैं इसको कितना करूंगा, 5 बजाने के लिए 15 मिनट्स को यहाँ पे ले आऊंगा. तो ये मेरा हो जाएगा 5 o'clock. मैंने इसमें कितना एड कर दिया, 15 मिनट्स. तो मेरा 4:45 से ये मेरा आ गया 5 बजे तक. अब मैं 5 o'clock तक 6 तक जाऊंगा तो कितना लूंगा मैं टाइम, 1 hour. अब मेरी घड़ी पे यहाँ पे आकर 1 hour, यानी मैंने 15 मिनट्स काउंट करा और 1 hour काउंट करा. होमवर्क इसका हो रहा है 6:20 तक, तो मैं इस वॉच को कराऊंगा 20 मिनट्स को और ले जाऊंगा. अब मेरा जो टाइम होगा वो मेरा 20 मिनट्स ये हो गया और ये मेरा आवर एंड हो गया, यानी मैंने 6:20 को ये कर लिया. तो यानी 15 मिनट्स बराबर 20 मिनट्स. अगर मैं इनको एड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितना टाइम वो हमारा जो बिट्टू है वो होमवर्क को एंड करने के लिए लेता है. तो 1 hour तो मेरा ये ही है. इसके बाद 15 और 20 को मैं प्लस कर दूंगा. 15 प्लस 20 इज 35. सो अवर टोटल टाइम ही टेक टू फिनिश हिज होमवर्क इज 1 hour एंड 35 मिनट्स. दिस इज अवर आंसर.